चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग। कल आपको कुछ किसके बारे में बताए थे, प्रकृति के बारे में। आज थोड़ा प्रकृति के बारे हमको क्या क्या देख रहे हैं, अपना अनुकूल के लिए क्या प्रकृति में हमें दिए हैं थोड़ा जानकारी लेंगे। अब हमें सीजन के बारे में, क्या ऋतुओं के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। ऋतु बहुत सारे हैं, है ना? कौन कौन सी ऋतुओं के? पतझड़ ऋतु, देखो पतझड़ ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आपको ये सब पता है। परंतु हम बच्चों के लिए, हम सबके लिए कौन से सीजन में पसंद है? समर सीजन, क्योंकि हमें छुट्टियों के दिन रहता है, मौज मस्ती करने के लिए बहुत खुश होता है। पर रेनी डेज क्या, वर्षा ऋतु में क्या करते हैं? वर्षा ऋतु में घर में ही रहना पड़ता है, कुछ बाहर निकलने नहीं होता। कहाँ पर देखने पर भी खाना पानी ही पानी होता है। परंतु विंटर सीजन में हमको शरद ऋतु कहते हैं हिंदी में। वो विंटर सीजन में हम क्या करते हैं? बहुत ठंड लगता है, घर में गरम गरम पकवान होता रहता है, परंतु स्कूल को जाना पड़ता है, ये सब हमें बहुत मुश्किल देता है ना बच्चों? आपको कौन से सीजन पसंद है? आप सबको सीजन समर डे बहुत पसंद है, परंतु आज हमें कुछ विंटर सीजन जाड़ा कविता के बारे में जानकारी दी। जाड़ा के दिन है विंटर, बहुत ठंड, ठंड के दिनों में हमें बहुत सारे पहचान मिलता है। क्या क्या पहचान मिलता है? माँ का, पापा का सहारा मिलता है, क्योंकि सहारा क्या होता है? माँ बहुत अच्छे अच्छे गर्म गर्म पकवान बना कर देते हैं, पापा कुछ खरीद कर लाते हैं। ऐसे ही एक कविता है, आज हम आपको सुनाते हैं। देखो कविता का लेसन नंबर 3, जाड़ा, पेज नंबर 12। खोलो एक बार भी को सुना, सुनो और दोहराओ। Lift it.
जलती मुझे सिनारा कोट। आपको याद आ गया ना क्या क्या होता है सर्दी में, ठंड के दिनों में क्या क्या होता आपको पता लगा? आप ठंड में क्या करते हैं? अभी देखो वो भी का निकला शर्बत, मोनू का निकला शर्बत, आपका क्या क्या निकलता है देखेंगे। चलो किक 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 दांत बजाता, क्या है किक 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 दांत बजाता क्या है? ठंड के विंटर सीजन में क्या होता है? हम सब बाहर घूमते हैं क्या? नहीं, नो नो नो, क्योंकि बहुत ठंड लगता है। आप आपके दांत है ना, दांत दांत सवर करता है, बहुत ठंड लगने लगे लगते रहता है। तब हम क्या करते हैं वहाँ से, माँ मुझे दांत दांत से भी आवाज करते हैं, दांत टक 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 ठंड के लिए तक। अब आपको पता नहीं क्योंकि मम्मा है ना बिस्तर पर 8 बजे तक सुलाते रहते हैं, क्योंकि दांत बजता है ठंड के दिनों में, ठंड के लिए बहुत दांत बजता है। दांत पीड़ी टीथ टीथ बजता है, साउंड करता है, बजता भी साउंड करता है। जाड़ा आता जाड़ा आ गया है, ठंड के दिन आ गया है, दिसंबर जनवरी फेब्रवरी, तब ठंड दिन आप क्या करते हैं? थोड़ा
कपड़ा छोटे छोटे लकड़ियाँ मिलाकर वो रोड पर बैठे रहते हैं, आग लगा ऐसा ही बैठे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं अलाव करते हैं, अलाव मतलब जला करते सर जलाते रहते हैं कभी भी, तो बहुत डर लगता है ना, इसलिए जाड़ा आएगा, जाड़ा आता जाड़ा आ गया है। अपना क्या होता है बहुत सारा विंटर सीजन में बहुत मुश्किल होता है, बाहर निकलने नहीं देती माँ, बाहर जाने नहीं देती पापा, का माँ गरम गरम पकवान देती है, पापा गरम गरम आइसक्रीम पकवाते हैं, आइसक्रीम मत देते नहीं क्योंकि बहुत डर लगता है। वो भी बाहर निकला छोटा, वो भी माँ क्या बोलती, वो भी तो आपका फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है गोपी, गोपी गोपी का माँ भी अलमारी में गोपी रखते हैं छोटा रखते हैं, यो यो मेरे बेटे को मेरे बच्चे को बहुत डर लग रहा है इसलिए हम भी निकाल कर लेंगे, वो निकला है मेरी वो बाहर आ गया है, माँ जाकर वो लेकर आकर क्या करती शटर पिलाती है किसे गोपी को, और मोटो का निकला था तो मंकी क्या आपको पता है मंकी क्या करते हैं ना छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं ना सब हमारे जैसे वाले तो कंधों में पहनते हैं मंकी तो पहनते क्या टी शर्ट पहनते हैं नहीं नहीं आप छोटे छोटे बच्चे हैं ना इसलिए माँ क्या बोलते मोटो का निकला वो भी अंदर अलमारी में रहता वो भी निकाल कर क्या करते कंटों वहाँ ला देते हैं आपको पसंद नहीं लगता माँ मुझे सभी मंकी मंकी कहते हैं मत बनाओ मुझे कहते परंतु माँ नहीं छोड़ेगी आपको क्या करेंगे कंटों पहना रहे हैं। सिद्धू का पापा से सिद्धू आता मुझे सब मेरे फ्रेंड्स जाकेट पहन के हैं टोपी पहन के हैं स्वेटर पहन के हैं सदरी का साफ पहन के हैं मुझे तो एक क्या सिला दो जल्दी मुझे सिला दो और मुझे भी एक ऐसा ही मेरे फ्रेंड्स भी पहनते मुझे भी एक कोट सिला दो ऐसा कहते हैं यह ना किसका है ये सिद्धू का पापा से कहता है आप भी कहते हैं ना पापा मुझे बहुत ठंड लगती है अच्छा नया छोटा लेकर और मुझे एक नया कैप लेके आओ मुझे एक नया बैग लेके आओ हाथ के लिए एक हैंड ग्लोव्स लेके आओ सॉक्स लेके आओ सभी कहते हैं पापा को मामा को नहीं कहते मामा मुझे बहुत भूख लगी है गरम गरम पकौड़ा बनवा दियो गरम गरम बोटा बना के दियो मुझे ठंड लग रहा है भूख लग रहा है बहुत बातें रहती है परंतु माँ क्या करती कुछ भी बना के देते पापा कुछ भी देते हैं लाकर तो बाहर मत निकालते हैं आपको याद होगा एक बार मेरे साथ और एक बार दोहरा ये पूरा आपको समझाया गया है भी अभी आप एक बार भी ना आपको मेरे साथ दोहरा कि वॉइस रिकॉर्डिंग में मुझे सेंड करो।